हेलो एवरीवन, मैं हूँ महेश्वरी भोयर, आपकी हिंदी टीचर दीक्षा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी की तीसरा पाठ, गौरैया मेरी सहेली। गौरैया यानी क्या होता है? चिड़िया, है ना। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया है, चिड़िया है, उसके कुछ अंडे हैं, है ना, उसका घोंसला भी है। यहाँ पे एक लड़की है ना, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, दोनों बात कर रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, उसके ऊपर खिड़की के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। तो ये जो चिड़िया की और ये लड़की की कहानी है, ये हमें यहाँ इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। और कुछ हमें संघर्षमय जीवन या फिर हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए तो हमें उसका सामना करते ही रहना चाहिए, यह सीख भी हमें इस पाठ से मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में आप लोगों को उसका अर्थ समझाती हूँ। वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। वह घोंसला बनाती, वह मतलब कौन? चिड़िया। ये जो गौरैया है, वह घोंसला बनाती और मैं बिगाड़ती। मैं यानी मैं क्या? नहीं, ये जो लेखिका है हमारी हसन जमाल छिपा जी, यह लेखिका। वह मुझे देखकर फुर से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। देखो हमारे घर में जब चिड़िया आती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। क्यों? किसी किसी को आता होगा गुस्सा, किसी को नहीं आता होगा। क्योंकि जब चिड़िया आती है ना हमारे घर में घोंसला बनाती है, तो बहुत सारे तिनके इधर उधर बिखेरते हैं, बहुत सारा कचरा कर देती है, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। तो इस ऐसे ही गुस्सा लेखिका को भी आया होगा, इसलिए जब चिड़िया आती थी तो उसको भगा देती थी लेखिका। तो वो लेखिका को देखकर जो ये जो गौरैया है चिड़िया, वो फिर से उड़ जाती थी। पता नहीं इतना जबरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। अभी देखो यहाँ पर लेखिका क्या कहती है। जब जब दिन में 10 बार हो, 20 बार हो या 50 बार हो, जितनी भी बार चिड़िया घर के अंदर आती थी उतनी ही बार लेखिका चिड़िया को भगा देती थी। इतना सब होने के बावजूद भी चिड़िया ने हार नहीं मानी, वो आती रही, है ना। तो यहाँ पे लेखिका कहती है कि इतना सब होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी, मतलब वो अपना आकर घर बनाने का काम उसने जारी रखा था। वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। वह काम में जुटी रही मतलब कौन से काम में जुटी रही? वो अपना घोंसला बनाने के काम में वह जुटी रही और लेखिका परेशान हुई। क्यों? क्योंकि वो भगाने के बावजूद भी चिड़िया अंदर आकर अपना घोंसला बनाती थी। कितनी बार लेखिका ने उसका घोंसला तोड़कर बाहर फेंक दिया तो भी चिड़िया ने हार मानी क्या? नहीं मानी। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ, है ना। धीरे धीरे सब घर में फैल गई, घर में जितने भी सदस्य थे उन सबको पता चल गया था कि लेखिका एक चिड़िया से, एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही है। भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, भाई साहब यानी जो लेखिका के भैया है, वो कौन जीता और कौन हारा? जब सबको पता चल गया था कि ये चिड़िया को बार बार भगा देती है लेकिन चिड़िया हार न मानकर अपना काम जारी रखती है, तो भाई उसे, उसका बड़ा भाई जो है वो उसको चिढ़ाता है। क्या चिढ़ाता है? कौन जीता और कौन हारा, तुम जीते या चिड़िया जीती? ऐसे मजाक करते थे वो, है ना। धत तेरे की, थक गई वह भी एक नन्ही गौरैया से। वो क्या कहती है? धत तेरे की। जब भाई उसे चिढ़ाता था, चिढ़ाते हुए पूछता था कौन जीता कौन हारा, तो लेखिका ने जवाब दिया, धत तेरे की, थक गई वह भी एक नन्ही सी गौरैया से। वो बोलती थी, अरे बाप रे,
मैं तो थक गई वो नन्ही सी गौरैया से, नन्ही सी चिड़िया से मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता। जितने ये जो लेखिका के भाई है वो बहुत चिढ़ाते लेखिका को, है ना, तो जैसे जैसे वो चिढ़ाते थे वैसे वैसे लेखिका का पारा चढ़ जाता। पारा चढ़ जाता यानी पारा चढ़ना यानी बहुत गुस्सा आना, है ना। उसको बहुत गुस्सा आता था। क्यों गुस्सा आता था? क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है वो चिढ़ाता था, है ना, लेखिका को, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे आता था। तो ये वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे और आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय।